नशे के दलदल में फंसे युवा कर रहे समाज को दूषित घातक बीमारियों से पीड़ित युवाओं की दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ रही है संख्या। एचआईवी हेपेटाइटिस बी तथा हेपेटाइटिस सी के मरीजों का तेजी से बढ़ने लगा है आंकड़ा, धीरे धीरे डूबने लगा है नूरपुर का नूर। समाज पर मंडराने लगे हैं गहरे संकट के बादल, महिलाएं भी नहीं रही हैं अछूती। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरके हिमाचल न्यूज, मैं रमन राणा हाजिर हूँ नशे के एक बार फिर बड़े आंकड़ों के साथ। चिंता तो लाजमी है और वजह भी सामने है, नशे में डूबता जा रहा युवा वर्ग चिंतन का विषय तो है ही, साथ में जानलेवा भी है। न जाने कौन सी गलती की सजा समाज भोग रहा है, आज नशा खासकर युवाओं में अपनी पकड़ मजबूत बना चुका है। पुलिस तथा प्रशासन के लाख प्रयत्नों के बावजूद नशे के कारण युवा वर्ग घातक बीमारियों के मकड़ जाल में फंसता जा रहा है। तो याद होगा कि चैनल के माध्यम से हमने 2 माह पूर्व नशे के कारण युवाओं में फैली घातक बीमारियों के आंकड़े आपके सामने रखे थे, जो कि बेहद डराने वाले थे। मगर 2 माह के भीतर ही ये आंकड़े दिन दूनी तथा रात चौगुनी रफ्तार से बढ़े हैं। ये आंकड़े पहले से भी ज्यादा डराने वाले हैं। सिविल अस्पताल MS नीरजा गुप्ता के अनुसार जहां 2 माह पूर्व हेपेटाइटिस सी के 75 मामले दर्ज हुए थे, जो अब बढ़कर 101 हो गए हैं। इसके साथ HIV के 31 मामलों से बढ़कर 34 हो गए हैं तथा हेपेटाइटिस सी का भी एक मामला बढ़ा है, जिसकी संख्या पहले 7 थी जो अब 8 हो गई है। अकेले नूरपुर में 2 माह के भीतर घातक बीमारियों से पीड़ित 30 नए मामले उजागर हुए हैं, जो बुद्धिजीवी वर्ग की चिंताओं को बढ़ाने वाले हैं। MS नीरजा गुप्ता ने चिंता जाहिर करते हुए बताया कि ये मामले लगातार बढ़ रहे हैं। उन्होंने बताया कि विभाग लगातार ड्रग यूजर की स्क्रीनिंग कर रहा है तथा ऐसे युवाओं की लगातार काउंसलिंग भी कर रहा है, ताकि युवा वर्ग को नशे के चंगुल से बचाया जा सके। उन्होंने बताया कि घातक बीमारियों से ज्यादातर युवा वर्ग पीड़ित है, जिसमें महिलाएं भी अब पीछे नहीं हैं, जिनकी उम्र लगभग 30 वर्ष से कम है तथा इससे काफी परिवार बर्बाद भी हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि खतरे से अनजान एक ही श्री से ये युवा एक से दूसरे को तथा दूसरे से फिर तीसरे को खामोश मगर दर्दनाक मौत बांट रहे हैं। हमारे स्क्रीन हुए हैं पेशेंट जो बेनिफिशियरी हमारे, उसमें 135 स्क्रीन हुए हैं, उसमें से HIV पॉजिटिव 34, हेपेटाइटिस सी पॉजिटिव 101 और हेपेटाइटिस बी पॉजिटिव 8। और ये जो केसेस हैं ये लगातार बढ़ रहे हैं, क्योंकि हॉस्पिटल में हमारे पास काफ़ी सारे लोग, उन लोगों की टेस्टिंग की जाती है और इनमें कुछ हमारे काउंसलर्स जो हैं वो काउंसलिंग करके उनके जो कॉन्टैक्ट्स हैं उनको हॉस्पिटल में बुलाते हैं और स्क्रीन करते हैं। तो काफ़ी सारे हमारे ड्रग यूज़र्स जो हैं उनको स्क्रीन किया जा रहा है और फिर उनमें से जो जैसे हेपेटाइटिस सी पॉजिटिव हैं या HIV पॉजिटिव हैं उनको कुछ को हम टांडा भी भेजते हैं और जो ऑन ट्रीटमेंट चल रहे हैं उनके परिवार की, उनके सभी जो भी उनके कॉन्टैक्ट्स हैं उनको काउंसलिंग भी की जाती है, सो दैट उनको एक अवेयर किया जा सके कि ये एक बहुत ही घातक बीमारी है जो फैलती जा रही है हमारे खासकर यंगस्टर्स में। और ज़्यादा ये लोग जो हैं यू आर 24 to 30 ईयर्स एज से कम लोग हैं, उम्र के लोग हैं, और इससे बहुत सारे परिवार जो हैं वो तबाह हो रहे हैं, उनके घरों में काफ़ी सारी दिक्कतें आ रही हैं, काफ़ी फीमेल्स भी जो हैं इसमें पॉजिटिव हैं और उससे उनकी फैमिलीज में आने वाली जनरेशन्स में भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। इसका मैम मुख्यतः कारण जैसे कि एक ही सिरिंज, एक नीडल जब बहुत सारे युवा आपस में मिलकर यूज़ करते हैं, क्या इसी को मान सकते हैं? बिल्कुल जी, ये IV ड्रग यूज़र्स जो हैं ये नीडल सिरिंज एक ही यूज़ करते हैं और एक से दूसरे को तीसरे में ये फैलता जाता है और इसी से ये प्रॉब्लम जो है वो उनकी बढ़ती जा रही है। थैंक यू मैम।